जैसा बकरी ईद का जैसे ही फेस्टिवल सीज़न आता है, गौ रक्षक दल, हिंदू जागरण वेदी के इन लोगों का जो गौ माता का प्यार वापस उमड़ को आता है, मेरा सवाल उनसे यही है कि अब तक एक्सपोर्ट में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, अभी भी लाख टन्स ऑफ गदर जो बीफ एक्सपोर्ट्स है वो रुका नहीं, अभी भी जारी है। कऊ स्लॉटर बिल आ गया, तकरीबन स्टेट्स में आ गया है, तकरीबन जगह कैलम जो बीफ और एक्सपोर्ट्स कऊ के ऊपर बैन है, उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट में लगातार हमारी इंक्रीज होते गए, वृद्धि होती गई है। अब वो जानवर कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो आपके जानवर नहीं? वहाँ पर कऊ, वहाँ पर गाय की आपकी जो आस्था है, वहाँ का जो प्रेम है, वहाँ पर नहीं आते क्या? आज तक ये लोग कहीं कोई एक्सपोर्ट फर्म के सामने जाके प्रोटेस्ट करे तो देखे हैं क्या? अगर अगर इनकी जो आस्था है वो उसके आस्था का रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये आस्था सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में आती है क्या? सिर्फ मुसलमान नहीं खाना, लेकिन बाहर अमेरिका का मुसलमान खाना है, अरब का मुसलमान खा सकता है, इंडिया का मुसलमान नहीं खा सकता है, यहाँ का दलित नहीं खा सकता, यहाँ का ओबीसी नहीं खा सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट के जितने भी फर्म के ओनर हैं, इनके बीजेपी के बड़े बड़े डोनर्स हैं, इसलिए ये लोग एक्सपोर्ट फर्म के सामने जाकर वहाँ पर गौ रक्षा दल या हिंदू जागरण वेदी के वहाँ जाके प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ और ईद के मौके पर इनको इनकी आस्था याद आती है। हम आपकी आस्था को रेस्पेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट भी बैन हो, जिस तरह से आप मुसलमान और दलित और ओबीसी जैसे आप चाहते हैं कि नहीं खाना है, ठीक है हम नहीं खाएंगे, उसी तरह से एक्सपोर्ट को भी आप बैन कीजिए। बीजेपी की सरकार आपके केंद्र में भी है और राज्य में भी है, पूरा बैन करवाइए। खाली सिंगल आउट कर ये जो दुश्मनी निभाने का जो काम है ये गलत है, इसे लोगों को लगाम लगाना चाहिए। और ये जो आने वाला जो 10 और 11 तारीख को जो ईद है, ईद के मौके पे एक पीसफुल माहौल गुलबर्गा में रखने का ये हमारा डिमांड है। डीपीआई गुलबर्गा की जानिब से आज हमने मेमोरेंडम गुलबर्गा डीसी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसपी साहिबा को हमने मेमोरेंडम दिया है, उसमें मुतालबा किया है कि हिंदू जागरण वेदी के इस तरह की जागरण वेदी के नाम से जो शहर का जो अमनी माहौल है उसको ख़राब करने और लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्ट थट जो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है कि अगर इस तरह की आउटपोस्ट या चौकी वगैरह नहीं लगाई जाए, उस तरह से नहीं किया जाए तो हम करेंगे वहाँ पे पुलिसिंग, या इस तरह का ये जो थ्रेट है ये गुलबर्गा के अमन को ख़राब करने की बातें हैं। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा से हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं कि वो लॉ के फ्रेम में जिस तरह की बातें होनी चाहिए, जो करना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कॉमन मैन या किसी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस की इश्यू नहीं है। अगर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इसको संगीनी नहीं लेता है, सीरियसनेस के साथ नहीं लेता है, तो याद रखिए हम शहर गुलबर्गा में हम आज भी जिंदा हैं, हम हमारे शहर की दिफा करने, यहाँ के अमन को कायम रखने के लिए हम बिल्कुल हम रेडी हैं, और हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इसको संज्ञान लेते हुए, सीरियसनेस लेते हुए इसको डील करे, और ऐसे लोगों को जो अमन और शांति को भंग करने वाले लोग हैं इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, वरना हम भी बिल्कुल रेडी हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा की जानिब से हम लोग डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर और साथ ही साथ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन लोगों को यहाँ पर SDPI की तरफ से मेमोरेंडम पेश करने यहाँ पर आए हैं। हम लोगों का जो डिमांड है, जो चार दिन पहले एक सो कॉल्ड जागृति सेना के नाम पर प्रोटेस्ट किया गया DC ऑफिस पर, और यहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान ऐसा कहा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल जो ये बकरीद है, ईद उल अज़हा है, उसके बारे में ये कहा गया कि ये आखिरी फेस्टिवल है, ये आखिरी बकरीद है बोलकर ऐसा बयानबाजी की गई, और साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी पर्टिकुलर को टारगेट कर स्लोगन्स लगाए गए, ये सरासर गलत है, ये गैर कानूनी है, ये हमें समझना है। तो इसीलिए DC साहब को और पुलिस कमिश्नर को और SP को मेमोरेंडम दिए हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और साथ ही साथ यहाँ पर इन लोगों ने ये भी धमकी भी दी है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉ स्लॉटरिंग को अगर नहीं रोका तो लॉ एंड ऑर्डर को हम अपने हाथ में लेकर जगह जगह पर हम इसको रोकेंगे और इसको अपने हाथ में लेंगे, इस तरीके से बयानबाजी करें हैं। तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली इनके ऊपर कार्रवाई करें जो ये इस तरीके से बयानबाजी करें हैं।
जो लोग ये बोले हैं कि आखिरी ये बकरा ईद है और ये आखिरी फेस्टिवल है, उन लोगों को क्लियर मैसेज है, अगर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे तो SDPI के तरफ से भी एहतजाज होगा, और पुलिस डिपार्टमेंट हो, DC हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन तमाम लोगों को हम लोग एक मेमोरेंडम भी दिए हैं और लीगल कार्रवाई भी हम इसके खिलाफ करेंगे, ये यहाँ पर हम क्लियरली कहना चाहते हैं।